2500 रुपए महीने कमाने वाले युवक का हुआ 16,500 का चालान। चितई गोलू मंदिर में लगाई गुहार। अल्मोड़ा में कोरोना कर्फ्यू के बीच पुलिस ने एक होटल कर्मी के यातायात नियम उल्लंघन पर 16,500 रुपए का चालान काट दिया। मोटी रकम का चालान काटने पर युवक ने इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वहीं चितई गोलू देवता मंदिर में उसने गुहार लगाई। 6 माह की कमाई की बराबर धनराशि का चालान काटने से युवक ने SSP से भी गुहार लगाई। बाद में संबंधित दस्तावेज दिखाने के बाद उसकी चालान की राशि कम कर दी गई। जानकारी के अनुसार जिले के सिरार गांव निवासी दीपक एक होटल में नौकरी करता है। उसने बताया कि उसका महीने भर का वेतन 2.5 से 3 हजार रुपए मात्र है। कर्फ्यू के बीच वह बेरोजगार है। इधर बीते दिन वह बाइक से दवा लेने बाजार आया। शिखर तिहारे के पास तैनात पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के दौरान उसे रोक दिया। हेलमेट नहीं होने समेत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उसका 16,500 रुपए का चालान काटते हुए बाइक जब्त कर दी। युवक की करीब 6 माह के वेतन की बराबर का चालान काटने से वह परेशान हो गया। युवक ने सोशल मीडिया में भी समस्या शेयर करते हुए पुलिस के फेसबुक पेज पर टैग कर दिया। यह मामला तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गया। बाद में SP कार्यालय पहुंच युवक ने दस्तावेज दिखाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त बनी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मानकों के अनुसार नियमों के अवहेलना करने वालों का चालान काटा जा रहा है। गाइडलाइन और मानकों के अनुसार ही युवक का चालान काटा गया है। हेलमेट नहीं पहनने, दस्तावेज नहीं होने समेत तमाम नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। बाद में जैसे जैसे युवक ने बाइक के दस्तावेज इंश्योरेंस दिखाए, उसके चालान की रकम कम कर दी गई। प्रकरण के आरोप की जांच CO को सौंपी गई है। वही युवक अब संतुष्ट है। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क।